सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज वीडियो को टक से लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, लाभ या हानि भी होती है, ये सब तो आम बातें हैं, पर ऐसा सभी के साथ होता है। मगर हम इन बातों में गौर करें तो हमें यह एहसास होगा कि ऐसे कठिनाई भरे जीवन को सुधारा जा सकता है। कई बार जीवन में ऐसी समस्या आती है जो मनुष्य को बहुत बड़ी परेशानी में डाल देती है, उसे जीवन के किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होता है। विवाह में विलंब, घर में अशांति का वास होने लगता है, आर्थिक समस्याओं का होना, परिवार के सदस्यों के बीमार पड़ना और अचानक ही पैसों का खर्च हो जाना, ऐसी कई प्रकार की मुश्किलें मनुष्य के जीवन में आती है। इस प्रकार की सभी अड़चनों का सामना मनुष्य तब करता है जब उन पर गुरु ग्रह का प्रभाव पड़ता है। गुरु ग्रह जातक के जीवन में यह सभी परिणाम देते हैं जब वे नीच ग्रह को शरण देते हैं। गुरु ग्रह को कारागर माना जाता है। इस ग्रह के देवता बृहस्पति जी हैं। बृहस्पति जी सभी देवताओं के गुरु कहलाए जाते हैं। इनका निवास स्थान गुरु ग्रह है। वे गुरुओं के भी गुरु माने जाते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है, इसलिए सफल जीवन हासिल करने के लिए गुरु को सदैव प्रसन्न रखना अवश्य है। हिंदू धर्म के शास्त्र के अनुसार देवताओं के गुरु बृहस्पति जी की गुरुवार के दिन आराधना करनी चाहिए। इससे जीवन में चल रही सभी प्रकार की परेशानियों से मनुष्य को मुक्ति मिलती है और उसका जीवन धन्य हो जाता है। गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार यदि हम श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन उनकी पूजा अर्चना अवश्य करें। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि होती है और प्रकार की समस्याओं से उसे छुटकारा मिलता है। गुरुवार के दिन किए जाने वाले उपायों को जीवन में अपनाने से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव इन दोनों की कृपा बरसती है। तो आइए जानते हैं गुरुवार के दिन कौन से उपाय करने चाहिए और ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें गुरुवार के दिन करना वर्जित माना गया है। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और आप अपना घर बनवाना चाहते हैं और धन संपत्ति पाना चाहते हैं तो आप प्रत्येक गुरुवार को किसी जरूरतमंद को गुरु का दाना अवश्य करें। गुरुवार के दिन गुरु के दान का सबसे अधिक महत्व है। यदि संभव हो तो गुरुवार के दिन किसी लाल गाय को रोटी में गुड़ अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से गौ माता की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति की सभी प्रकार की आर्थिक समस्याएं समाप्त तो हो जाती है। विवाह में समस्या आने पर यदि देरी होने पर भी गुरुवार के दिन गाय को आटे की लोई में गुड़ भरकर खिला सकते हैं। ऐसा करने से देवगुरु बृहस्पति की कृपा बनी रहती है और विवाह जल्दी संपन्न होता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करके उन्हें तुलसी के पत्ते डालकर भोग अवश्य लगाएं। ऐसे भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन गौ माता को केला अवश्य खिलाए। केला भगवान विष्णु का प्रिय फल है और इस दिन गौ माता को केला खिलाने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए अब जानते हैं गुरुवार के दिन हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए। माना जाता है कि गुरुवार के दिन महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। इसके साथ ही अपने बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा करने से उनके जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर होने लगता है, जिससे उनके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां खड़ी हो जाती है। उनके पति और संतान की उन्नति भी रुक जाती है। गुरुवार के दिन केले के फल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है, लेकिन केले के फल का सेवन नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन घर में पोछा लगाना भी वर्जित माना गया है। गुरुवार के दिन आप झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन घर में पानी से पोछा बिल्कुल भी ना लगवाए। ऐसा करने से गुरु ग्रह कमजोर होता है और घर परिवार में कलेश का वातावरण बनने लगता है। गुरुवार के दिन नाखून काटने से व्यक्ति की आयु कम होने लगती है और जीवन में दुर्भाग्य आता है। गरुड़ पुराण के अनुसार गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन इस दिन कभी भी सरसों के तेल का दीपक ना लगाएं, क्योंकि सरसों के तेल का उपयोग उग्र ग्रह की पूजाओं में किया जाता है, इसलिए गुरुवार को सरसों के तेल का उपयोग वर्जित माना गया है। इस दिन आप दीपक जलाने के लिए घी का प्रयोग करें। गुरुवार के दिन दीपक हमेशा जोड़े की संख्या में रखें, जैसे 2, 4, 6 आदि, मतलब विषम संख्या में दीपक ना लगाएं। ऐसा करने से शुभ की जगह अशुभ फल प्राप्त होता है। गुरुवार का व्रत रखने वालों को किसी से लड़ाई झगड़े या कलेश नहीं करना चाहिए। अगर किसी को आपशब्द भी नहीं कहने चाहिए। ऐसा करने से बृहस्पति देव नाराज हो जाएंगे
और आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय शोर शराबे की जगह पर ना बैठें और ना ही कला के माहौल में पूजा करें, क्योंकि इससे पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। भगवान विष्णु जी की पूजा करते समय काले वस्त्र ना पहने, क्योंकि यह क्रूर ग्रह को दर्शाते हैं, इससे घर में नकारात्मकता आती है। गुरुवार के दिन बुजुर्ग व्यक्तियों का अपमान ना करें, ऐसा करने से बृहस्पति देव नाराज हो जाते हैं, इससे धन की नाश के समेत दुर्भाग्य आ सकता है। तो ये थे वो काम जो हमें गुरुवार के दिन नहीं करने चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय हर विष्णु लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।